स्वागत है और गुड मॉर्निंग भी। और ये जो वैकेंसी उत्तराखंड के बच्चों के लिए है, देखिए मैं मोटी बात सबसे पहले इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका टाइम कितना कीमती होता है, तो इसलिए सबसे मुख्य बात यही है कि ये वैकेंसी जो है ना उत्तराखंड के बच्चों के लिए ये वैकेंसी है। अब इसके बाद पहली इंपॉर्टेंट चीज ये होगी, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि अगर आपने कृषि में डिग्री आपके पास, जिसे एग्रीकल्चर के नाम से अंग्रेजी में कहते हैं, जिसे BSc AG वगैरह अगर आपके पास डिग्री कृषि में है, तभी आप इस वैकेंसी को भर पाएंगे। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी करेंगे कि कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी डेट्स क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, फॉर्म भरने में कितने पैसे लगने वाले हैं। ठीक है, क्या ऑल ओवर इंडिया की ये वैकेंसी है, सारी की सारी चीजें हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये जारी की गई उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसे आप प्यार से कहते हैं UKSSSC। ठीक है, तो ये वैकेंसी इसके द्वारा जारी की गई है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसकी श्रृंखला में। और ये जो नोटिफिकेशन है ये 2 अगस्त को आउट हुआ था, हालांकि मैं इसके 2-3 देर से वीडियो बना रहा हूं, और लेकिन आज ही इसका आवेदन शुरू हुआ, इसलिए मैं आज ही बना रहा हूं। 6 अगस्त आज है और आज ही इसका आवेदन शुरू हुआ, आप ऑनलाइन इसका अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और इसकी अंतिम तिथि है 19 सितंबर, तो लेट मत करिएगा, आप जल्दी से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दीजिएगा। ठीक है, आपका जो लिखित परीक्षा है वो दिसंबर महीने में 2019 में ही करवाई जा सकती है, लेकिन ये कुछ पक्का नहीं कि हो सकता है जनवरी 2020 में हो जाए या उससे थोड़ा सा पहले हो जाए, लेकिन दिसंबर के आसपास ही आपकी होगी। अब देखो ये जो वैकेंसी है ये समूह गा की नौकरी है। ठीक है, आप कह सकते हैं ग्रुप सी, जिसे आपने हो सकता है अंग्रेजी में सुना हो, ग्रुप सी की जॉब है। ठीक है, तो इसके अनुसार आपकी मैं पेमेंट यहां से बता देता हूं, क्योंकि ग्रुप सी की जो जॉब होती है आपकी ये पेमेंट करीब करीब 30,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, 30,000 रुपए प्रति माह मंथली आपकी सैलरी हो। इसके अलावा जो गवर्नमेंट, जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट अपने जो है ना जो सेवा देते हैं, जो कर्मचारी हैं, जो सुविधाएं देती हैं, वो आपकी अलग से, भत्ते वगैरह आपकी अलग से। ठीक है, जो भी सुविधाएं वो अलग से, आपकी जो सैलरी आएगी वो 30,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से आएगी। अब इसमें टोटल वैकेंसी है 280 पद। मैं इसका बंटवारा भी बताऊंगा कि जनरल SC ST OBC को कितना कितना सीटें मिली, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं। ठीक है, वेबसाइट मैं आपको वो भी बताऊंगा नीचे। अब आगे बढ़ने की श्रृंखला में देखिए, एक ये टोल फ्री नंबर लिख रखा है, अगर आपको जो है ना कोई सहायता चाहिए तो टोल फ्री नंबर वो नंबर होता है जिसमें आप फोन करोगे तो आपके पैसे नहीं कटेंगे। तो ये देखिए टोल फ्री नंबर है, आप जो है ना 138 आखिरी में लिखा है, तो हो सकता है अगर आपका इससे नंबर ना मिले तो 138 की जगह आप चेंज करके 139 कर दीजिए, 139 पे ना मिले तो 140 पे फोन कर लीजिए या फिर 141 पे। ठीक, ये 3 डिजिट लास्ट में चेंज करके इससे 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 4 तरह के फोन नंबर आपके पास दे रखे हैं, आप इनसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं बिना एक भी पैसा लगाए हुए। अब देखो ये जो पद का आपका कोड है ये 132 है। ठीक है, आपका ग्रुप सी के अधिकारी है और टोटल 280 पद हैं। अब देख लेते हैं सीटें किस तरह बांटी गई हैं। आप देख सकते हैं आजा का मतलब होता है जनरल श्रेणी के जो बच्चे हैं, आप यहां से देख सकते हैं कि पद 15 है आपके। ठीक है, ये 36 आरक्षण मतलब वो आरक्षण जिसमें कोई और आरक्षण नहीं ले सकता, मतलब 10 सीटें अगर भूतपूर्व फौजी के लिए रिजर्व हैं तो भाई भूतपूर्व फौजी ही जाएंगे, ऐसा नहीं ST वालों घुसेड़ दो, जनरल वालों घुसेड़ दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वो होता है 36 आरक्षण। तो आप यहां से देख पाएंगे कि जैसे सामान्य के लिए 171 सीटें हैं। ठीक है, और जो है ना 36 आरक्षण में आप देख सकते हैं कि जैसे एक्स सर्विस मैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह की कितनी सीटें हैं, तो आप टोटल सीटें जो है ना यहाँ से 280 हो जाती हैं। और हालांकि सीटें ज़्यादा नहीं, लेकिन जो है ना इस विभाग में, कृषि विभाग में करीब करीब इतनी सीटें हर बार आती हैं, बहुत ज़्यादा इसमें वैकेंसी नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ही काफ़ी छोटा सा डिपार्टमेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की श्रृंखला में हम थोड़ा सा देखेंगे, और जैसे अति पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 43 सीटें हो गई। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका जो वेतन है 25,500 से 81,100 के बीच में लेवल 4 का आपका वेतन रहेगा, और आपकी नौकरी स्थायी परमानेंट नौकरी है, और ये गेजेटेड नहीं, नॉन गेजेटेड पोस्ट है आपकी, और आपको अंशदायी पेंशन भी मिलेगी। ठीक, शैक्षिक अर्हता के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट होती है, आपके पास होना चाहिए BSc एग्रीकल्चर। ठीक है, कृषि में स्नातक उपाधि आपके पास, देखिए कृषि में स्नातक की उपाधि मतलब कृषि में ग्रेजुएट होना जरूरी है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम।
आपकी होगी एक लिखित परीक्षा, कोई इंटरव्यू नहीं, सिर्फ एक लिखित परीक्षा। जो लिखित परीक्षा होगी वो 100 अंकों की होगी, 2 घंटे की होगी और आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस, मतलब एक क्वेश्चन होगा उसके 4 आपके ऑप्शन होंगे जिसमें कोई एक सही होगा, ठीक है। अब इस लिखित परीक्षा की इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं कि आपको जो भी इसमें पूछा जाएगा सब बीएससी एग्रीकल्चर से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे, मतलब जनरल चीजें जैसे होती जैसे अंग्रेजी पूछ लिया, गणित पूछ लिया या कुछ और, ये चीजें आपकी नहीं है। आपको जो पूछा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें ही पूछी जाएंगी, ठीक है। मैं इसका सिलेबस भी आपको बताऊंगा और इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा ताकि आप क्लिक करके डिटेल में सिलेबस इसका लिखित परीक्षा का देख पाएं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए नेगेटिव मार्किंग के बारे में हालांकि यहां पर लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेगेटिव मार्किंग, ये देखिए लिखा भी है, खैर ऐसे एग्जामों में नेगेटिव मार्किंग आजकल हर एग्जाम में ही होती है मोस्टली, और यहां पर आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो 1/4 मिलेगा, ठीक है। अब एक मिनिमम आपको, अगर जनरल ओबीसी वाले हो तो आपको मिनिमम जो है ना 45 नंबर लेके आने हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी हो तो आपको 35 नंबर लेके आने तभी आप फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल हो पाओगे। इंडिविजुअल कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं, मिनिमम 45 नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आपके पश्चात जैसे आप लिखित परीक्षा देंगे तो आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा वो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आपकी जो परीक्षा है ओमआर पर, ओमआर क्या होती है, आपने देखो गोले काले करने, ये गोला ऐसे करके, तो आपका जो आंसर सही हो उस गोले को काले कर दे, तो इस तरह आपका जो है लिखित परीक्षा होने वाली, ऑनलाइन नहीं होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, आगे बढ़ते हैं और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। आपकी उम्र सीमा जो है ना 21 से 42 साल के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, 21 से 42 साल आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। आपकी जो निर्णायक तिथि है जिस डेट से आपकी उम्र सीमा की गणना की जाए वो है 1 जुलाई 2019, ठीक है। तो 1 जुलाई 2019 से देख लीजिए आप, 21 से 42 साल के बीच में होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए कई बच्चों को दिक्कत हो जाती है अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं जोड़ पाते, तो देखो मैं आपको बता दूं, आपको गूगल पे जाना है सीधे, ठीक है, वहां पर टाइप करना है एज कैलकुलेटर, उसमें टाइप कर दोगे तो किस डेट से आप अपनी उम्र जानना चाहते हो उसकी जगह 1 जुलाई डाल देना, ठीक है, तो पता चल जाए, और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना तो आपको पता चल जाए कि आप कितने साल कितने महीने कितने दिन के हो गए हैं। ये एक आपको सिंपल तरीका मैंने बता दिया, और आगे बढ़ते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के बच्चे ही अप्लाई कर पाएंगे, राष्ट्रीयता कोई भी भारत का नागरिक हो, ठीक है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस ऐसी हैं कि आपने जो शैक्षिक योग्यता ली है वो आपने उत्तराखंड से ली हो, इसलिए जो है ना आप भले ही भारत के हो लेकिन अगर आपने शैक्षिक योग्यता मतलब कक्षा 10 और 12 आपने जो है ना उत्तराखंड से पास नहीं किया तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, चरित्र आपका अच्छा हो, ठीक है, और चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में आप उपयुक्त हो सकें, ठीक है। आपको जो है ना जो कोर्ट है आपने दंडित ना किया गया हो तो ध्यान रखिएगा, और वैवाहिक स्थिति मतलब कि आप अगर शादी कर चुके हैं तो अच्छी बात, कोई दिक्कत बात नहीं, लेकिन आपकी 2 बीवियां नहीं होनी चाहिए, 2 वाइफ्स जो है ना नॉट अलाउड, और इसी प्रकार अगर आप गर्ल हैं इसमें फॉर्म भर रहे हैं तो आपके 2 पति नहीं होने चाहिए। आगे देखेंगे, शारीरिक स्वस्थ आप होने चाहिए। आरक्षण की बात करें तो सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को ही मिलेगा। आगे बढ़ने की श्रृंखला में ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है। क्या वेबसाइट? www.ssc.uk.gov.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने में कुछ खास चीजें नहीं है, आप अपना तभी अपनी फीस भी सबमिट कर पाएंगे। आपकी जो फीस है उसके बारे में देख सकते हैं, जनरल वालों को 300 रुपए, ओबीसी वालों को 300 रुपए, उत्तराखंड की अनुसूचित जाति एसटी के लिए 150, एससी के लिए 150 और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 150 रुपए आपकी फॉर्म फीस तय है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ ये देखिए जो ऊपर एब्रीवेशन लिखा था आप यहां से देख सकते हैं, वुमेन महिला अभ्यर्थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, एक्स का मतलब भूतपूर्व सैनिक, फिजिकली हैंडीकैप, ओए मतलब एक हाथ से कुछ प्रॉब्लम है, पीवी मतलब आपको देखने में दिक्कत होती है, पीडी मतलब आप मूक बाधे रहे हैं, ठीक, बोलने में दिक्कत होती है। तो ये थोड़ा एब्रीवेशन है, इसके बारे में हमने देख लिया। अब आपको सिलेबस दिखा देता हूं, सिलेबस फॉर एग्रीकल्चर साइंस, ठीक है। सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 की जो है ना पद कोड जिसका 132 है उसके लिए सिलेबस क्या है, ये इतना सारा सिलेबस है।
आपको थोड़ा सा मैं आपको और नीचे दिखाऊंगा, और ये जो है ना मैं आपको पीडीएफ नीचे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और जाकर आपको हर जो है जो टॉपिक लिखा है, जैसे नेशनल डिमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, जवाहर रोजगार योजना, तो आपको हर टॉपिक की जैसे कॉमा करके लिखा है, लॉ ऑफ डिमांड वगैरह, ठीक है, हर चीज पर आपको अच्छे से मेहनत करनी है, हर टॉपिक आपको तैयार करना है। आप इसकी तैयारी के लिए बुक्स कौन सी लेंगे, और ये देखिए नीचे आपका ये और सिलेबस अभी है, ठीक है, स्टडी ऑफ मेजर ब्रीड्स ऑफ काऊ, बफेलो, गोट, सीप, ठीक है, पिग, ये सारी चीजें हैं, सिलेबस आपका काफी अच्छा खासा है, ठीक है, ये देखिए। तो इस तरह आपका सिलेबस यहां से खत्म होता है। आप जाइए, आप अपनी जिसने आपने किया है बीएससी एग्रीकल्चर की, जो आपने डिग्री की है, इसमें जो भी बुक्स आपने पढ़ी हैं, ठीक, आपको वो सारी बुक्स आपको रिफर करनी है, क्योंकि उसी का सारा सिलेबस आपको, आपका सिलेबस एजी से बाहर है ही नहीं। अब एक बार अपनी बुक्स पढ़ लीजिए, अब नोट्स उससे ही बना लीजिए। और दूसरी चीज, आप जो है ना आजकल ऑनलाइन सहारा ले सकते हैं, जैसे आपका टॉपिक है, ठीक है, कोई भी टॉपिक है मान लीजिए, तो आप उसे गूगल में सर्च कर सकते हैं, तो जो उसकी मुख्य बातें आए आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दो तरह से तैयारी कर लीजिए, आप अपनी बीएससी एग्रीकल्चर की किताबों को उठाकर पढ़ जाइए, और अपना गूगल से भी हर टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लीजिए, एक बेहतरीन नोट्स बना के रख लीजिए, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं। दिसंबर या जनवरी में आपकी रिटर्न एग्जाम होने वाली, आपके हाथ में करीब करीब 5 से 6 महीने हैं, 5-6 महीने कहेंगे, तो एक बेहतरीन तैयारी के लिए आज से ही जुट जाइए, जिस दिन से आपने अपने फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिया है। और आप सबको गुड लक, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।